सर आइए भाई, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ रहो, बैठ के करना। अभी हम लोग सोनाली फोगाट जी के पूरे परिवार से मिले। उनकी जिस तरह से हत्या की गई है और जिन संदेहास्पद सर्कमस्टांसेस के अंदर उनकी हत्या हुई है, ये बेहद दुख की बात है। वो हमारे देश की बहुत जानी मानी हस्ती थी, हमारे देश की बेटी थी, हमारी बहन थी। पूरा परिवार में भी बीजेपी की सरकार है। एकमात्र के अंदर अगर वो निर्णय ले लें तो ये मामला जो है सीबीआई में जा सकता है, और सीबीआई में जाएगा तो इसकी निष्पक्ष जांच होगी और जो असली दोषी हैं वो सामने आएंगे। अभी परिवार से जो बात हुई, उनको लग रहा है कि एक तरह से पूरे केस को दबाने की कोशिश की जा रही है और जो दोषी हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो नहीं की जा सकती, एक बेटी परिवार से चली गई और टैलेंटेड लड़की जिसमें भगवान ने बहुत और उस अपने बलबूते पर उसने नाम पैदा किया अपना, और ऊपर से ड्रग्स के जो इल्ज़ाम लगाकर कलंकित करने की कोशिश की जा रही है परिवार को, तो परिवार को इस बात का भी ज़्यादा दुख है कि एक तो दिन साथ में जो था, तो दूर की बात है कोई पक्षी भी बीजेपी सपोर्टर जो है वो इस घर में नहीं आया, ना ही गोवा में उनको मिले। तो सीबीआई की जांच की मांग परिवार कर रहा है और तीनों जगह पे केंद्र में, गोवा में और चलते रहते हैं। इट्स ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। प्रदेश की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, ताकि परिवार वालों को यह तसल्ली हो जाए और उनका उनको ये लगे कि हाँ इस देश में न्याय होता है। जितना ज़्यादा सीबीआई की जांच को रोकने की कोशिश की जाएगी, उतना ज़्यादा देश की जनता के मन में शक पैदा होगा कि कुछ दबाने की कोशिश की जा रही है, कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए हम मांग करते हैं कि जांच के लिए सीबीआई को इस मामले को ये वारदात आ सकता है, कुछ भी हो सकता है।